बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाउ आर यू स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। नाउ आई डिलीवर द मेडिकल ऑफ साइंस ग्रेड 6। नाउ स्टार्ट दी यूनिट नंबर 1, सेलुलर हायरार्की, पेज नंबर 1। नाउ स्टार्ट द रीडिंग। ऑल लिविंग थिंग्स हैव वेज ऑफ टेकिंग इन द सब्सटेंसेस दैट दे नीड टू ग्रो एंड सर्वाइव। जितने भी जिंदा जानदार हैं, यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि जितने भी जिंदा जानदार हैं उन्हें ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। किस चीज़ की? किसी भी चीज़ की सब्सटेंस या वो खाने के लिए कोई चीज़ हो सकती है। दे रिस्पॉन्ड टू साउंड, लाइट और टच, और वो रिस्पॉन्ड करते हैं इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग, जैसे साउंड वगैरह है। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मालूमात वगैरह को ये रिसीव करेंगे अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम इन डिफरेंट वेज सच एज हियरिंग, सीइंग, स्मेल, स्मेलिंग और सेंसिंग। इन चीज़ों को देखते हुए जो मालूमात वगैरह इन्हें मिल रही हैं ये सुन के उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, देख के, स्मेल करके किसी चीज़ को और सेंस करके, महसूस करके। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करेंगी। दैट इज़ दे मेक कॉपीज, अपनी ही जैसी कॉपीज बनाएंगी जो उनके न्यूली बॉर्न बेबीज होंगे उसकी शक्ल में, ऑफ देमसेल्फ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और इस सारे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट, सेल्स क्या हैं? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, ये सारी सेल से मिलकर बनी हैं। सेल्स आर लिविंग थिंग्स दैट फीड, रिप्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग्स। जो सेल्स हैं वो लिविंग थिंग्स पर कंसिस्ट करते हैं और ये फीड भी करते हैं ताकि ये अपनी रिप्रोडक्शन वगैरह कर सकें, ग्रो कर सकें। उसके लिए ये फीड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्ड करेंगे। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सेल पर कंसिस्ट करते हैं और अपनी सारी जिंदगी एक ही सेल पे गुजार देते हैं। बट इन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन जो इंसानी जिस्म है उसमें देखा जाए, देर आर मिलियन ऑफ सेल्स। हमारी जो बॉडी है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। अगर एक से ज़्यादा सेल्स पर बॉडी कंसिस्ट करती हो तो वो मल्टी सेलुलर कहलाएगी। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 1665 में। उसके बाद हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप क्या है? सम सेल्स आर सो टिनी, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, दे इवन द पॉइंट ऑफ पेंसिल, जैसे ये एक पेंसिल का पॉइंट है, इतने वो छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आ सकते। वुड होल्ड थाउजेंड ऑफ देम। सम सेल्स सच एज नर्व सेल, जिस तरह से नर्व सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि मैसेज को कन्वे करते हैं ब्रेन तक। सो बिग दैट दे कैन बी मीटर लॉन्ग, और ये ऐसे सेल्स हैं जो कि मीटर्स तक लॉन्ग हो सकते हैं, इसको हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं। टू टुक एट एन ऑर्डिनरी सेल, अगर आम सेल्स को देखा जाए, वी हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप। आम सेल्स को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। अ माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला है दैट मैग्नीफाई थिंग्स, जो कि चीजों को बढ़ा के दिखाने के लिए यूज किया जाता है, सो दैट वी कैन सी देम मोर क्लियरली, ताकि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को या जो भी हमने सेल वगैरह देखना है उसको हम लोग ज्यादा क्लियरली देख सकें। यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है लाइट माइक्रोस्कोप की। अब उसके लाइट माइक्रोस्कोप के कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो हम लेंस वगैरह यूज करेंगे, इसको आईपीस लेंस कहा जाएगा। सेकंड पे इसका आ जाता है ट्यूब, जिसके थ्रू एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। थर्ड पे आ जाता है आर्म, और ये किस लिए होगा? सपोर्ट करने के लिए ट्यूब को, ताकि ये कनेक्ट होगा बेस के साथ। उसके बाद है कोरस फोकस, मूव द ऑब्जेक्टिव लेंस लॉन्ग वे क्विकली, ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करके क्लियरली देख सकें।
नेक्स्ट पे आ जाता है फाइन फोकस, मेक्स फाइन एडजस्टमेंट टू द फोकस। जिस चीज पे हमने फोकस करना था, जो हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उस पे फोकस करने के लिए हम फाइन फोकस यूज करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाएगा रिवॉल्विंग नोज पीस। ये किस लिए होगा? होल्ड टू और मोर ऑब्जेक्टिव लेंसेज एंड कैन बी टर्न इजिली टू चेंज मैग्निफिकेशन। ये तीन लेंसेज यहाँ पे प्रेजेंट है, जितनी हमने किसी चीज की मैग्निफिकेशन देखनी है हम इसको रिवॉल्विंग नोज पीस को उतना ही रोटेट कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। जो फर्स्ट पे ऑब्जेक्टिव लेंस है यूजेस 3 or 4 और डिफरेंट मैग्निफिकेशन। हर एक लेंस की मैग्निफिकेशन मुख्तलिफ होगी। जितना हमने मैग्निफाई करना था उस ऑब्जेक्ट को, जितना क्लियर हमें देखना था, उस लेंस से हम लोग उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है स्टेज। स्टेज क्या है? यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसको हमने देखना था। द फ्लैट पीस वेयर यू प्लेस योर स्लाइड स्टेज क्लिप होल्ड द स्लाइड इन प्लेस। साइडों पे इसके क्लिप्स प्रेजेंट होंगे। वो क्लिप्स किस लिए होंगे? ताकि उस स्पेसिमन को जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था उसको यहाँ पे होल्ड किया जा सके। कंडेंसर लेंस आ जाता है लास्ट पे। फोकसेस लाइट ऑन टू द स्पेसिमन। उस स्पेसिमन पे फोकस करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लेंस यूज होगा। उसके बाद है इल्यूमिनेशन सिस्टम। इल्यूमिनेशन सिस्टम किस लिए है? यहाँ पे मिरर यूज किया जा सकता है या लाइट यूज होती है जिससे जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोकस किया है वो स्पेसिमन हमें बिल्कुल क्लियर नजर आएगा लाइट की वजह से। लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।